क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की चाल, क्या कहती है आपके किस्मत की लकीरें, कैसे दूर होंगे संकट और आएगा आपके जीवन में उजाला, खुलेगा आपके भाग्य का पिटारा। जानिए डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल प्रतिदिन सुबह और शाम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर संजय आर शास्त्री। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें USA 1425329 9314, इंडिया 9811888383। दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। दर्शकों, हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली कर्क राशि अर्थात कैंसर राशि वाले मार्च 2023 के लिए। दर्शकों, मैं वीडियो में इंटर करूं आपको बताने के लिए, आपके राशि फल के बारे में बात करूं, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे या जय श्री राधे जरूर लिखिए। इन शब्दों को लिखने मात्र से भी हमारे जीवन में, क्योंकि भगवान का एक नाम है और इससे हमारे जीवन में परिवर्तन अच्छाई की तरफ होता है, और आपका लिखने मात्र से मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करिए, उससे मुझे दुख नहीं होगा। एक और बात, मेरे वीडियो को आप देखते हैं, परेशान रहते हैं कि आपको व्यापार करना है या नौकरी करना है या और क्या काम करना है, इसके लिए आप बड़े चिंतित होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आपको ठीक से जानना हो और कौन सा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, अगर ये जानना हो तो एक बात आपको करना जरूर होगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा और उसे बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन आए और आप इसे देख सकें। तो कृपया ऐसा जरूर करें। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक देखिए, विशेष रूप से कर्क राशि। दर्शकों, आपके राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक है, हमारे माइंड को, चंद्रमा मनस मन को कंट्रोल करते हैं। माइंड कैसा रहेगा, किस तरह रहेगा, ये सारी बातें चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है और आपके राशि का स्वामी भी है, और चंद्रमा आपके कुंडली में लग्न में ही है। तो लग्न का चंद्रमा बिल्कुल आपको मन से बड़ा पॉजिटिव बना रहा है। मार्च महीने बहुत स्ट्रांग, आप मन से बहुत स्ट्रांग, आप पिछले कई महीनों से मन से बड़ा कमजोर थे, ढुलमुल थे, करे नहीं करे डबल माइंड हो रहे थे, लेकिन अचानक चंद्रमा का मार्च में आपके लग्न में प्रवेश करना गोचर के अनुकूल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया। और एक कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है और सातवें स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं, जिसको हम लोग भार्या पक्ष बोलते हैं, तो अगर आप स्त्री हैं तो पति के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी स्त्री वर्ग के लिए, ये दोनों का जो संबंध है वो बड़ा स्ट्रांग बना रहा है। मन से बड़ा खुश रहेंगे, नई प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें दोनों का विचार समन्वय होगा और उसका इम्प्लीमेंट आप ठीक से कर पाएंगे। तो एक तो आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत चल रहा है। दूसरी बात, हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए, आपकी कुंडली में मंगल जो है 11वें स्थान में आ रहे हैं। 11वें स्थान में आय का कारक, इनकम का कारक है, और मंगल का वहां पर पहुंचना आपको जमीन संबंधी कार्यों को करने से कहीं ना कहीं धन लाभ होगा। स्टॉक संबंधी कार्यों को करने से आपको धन लाभ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा दें उससे आपको जरूर फायदा हो सकता है। जमीन में पैसा लगा दें, घर में पैसा लगा दें, भूमि में, भवन में, कहीं भी पैसा लगा दें आप उसमें, या वाहन में पैसा लगा दें और उसको कुछ देर रख के उसको आप दोबारा सेल कर सके, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ये निश्चित रूप से मार्च के लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। दूसरी बात, राहु आपके 10वें स्थान में आते हैं और ये बताता है कि अदृश्य ग्रह की एक युक्ति बन रही है आपके 10वें स्थान में, और आपका 10वां स्थान कर्म स्थान है, ऊंचाई का कारक है, सफलता का कारक है, कर्म का कारक है, पिता पक्ष का कारक है, और राहु का वहां एक अदृश्य रूप से इंटर कर जाना अचानक, जो जिसे होते हैं ना कि बोलते हैं अचानक एक दैवीय शक्ति मिली,
और अचानक आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं जो आपकी अचानक पहचान बन जाती है और बहुत सफलता दिखाई देने लगता है और आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या। ये आपके साथ मार्च में ऐसा घटना होने वाला है और ये घटना 11 मार्च के बाद होने वाली है। ये ध्यान रखिए, बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है। राहु का अदृश्य रूप से पावर देना आपके कर्म स्थान है। राहु चेंजेस के कारक हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट उससे बचाएंगे आपको, अचानक चेंज करेंगे, दैवीय शक्ति का एक पूरा एनर्जी आपके साथ होगा, तो बड़ी अच्छी चीजें आपके साथ मार्च महीना में बन रही है। दूसरी बात, केतु आपके साथ चौथे स्थान में आ गए हैं। चौथा स्थान ऐसा कहा जाता है मन का भी कारक है, मां पक्ष का भी कारक है। तो मैंने कहा लग्न में चंद्रमा केतु का चौथे स्थान में, केतु कॉन्सेंट्रेट के कारक है, तो चंद्रमा लग्न में होना और केतु का चौथे स्थान में होना, एक तो बात है कि पति पत्नी का भी संबंध है, प्रेमी जोड़ों का भी संबंध बहुत अच्छा हो रहा है, साथ साथ आपके माता के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा हो रहा है। अगर कभी ऐसा हुआ है कि मनमुटाव माता पिता के साथ हो गया है तो आपका संबंध पुनर्स्थापित हो रहा है और आपके लिए सफलता दे रहा है। लेकिन जल्दीबाजी, क्योंकि राहु और केतु का समन्वय एक दूसरे से परस्परम भावयंता, एक दूसरे के दृष्टि सातवां पड़ रही है, तो आप किसी भी चीज के लिए जल्दीबाजी ना करें। क्योंकि मैंने राहु के अदृश्य शक्ति के बारे में बात करी कि जो अचानक सफलता दिलाएगा, उससे आपको हो सकता है कि आपको लगे कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो खतरा है आपके लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस और समझ के काम करें, फिर आप बहुत अच्छा करें। दूसरी बात, बृहस्पति और शुक्र एक साथ आपके भाग्य स्थान में नौवें स्थान में जा रहे हैं। भाग्य का कारक है, विदेश का कारक है, सफलता का कारक है और वहां पर उच्च होकर के शुक्र बड़े अच्छे पोजीशन पे दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें, विद्यार्थी है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के लिए वो विदेश का भी योग बन सकता है, पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर भी जा सकता है, पढ़ाई के लिए कोई एग्जाम के लिए घर से दूर जाना और उसमें सफलता पाना हो सकता है। शुक्र का वहां पर बैठना, बड़े अच्छे पोजीशन में आना, आपकी वाणी में प्रखरता आएगी और वाणी की प्रखरता के कारण आपका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीजें दिख रही है। सूर्य और शनि ये पिता और पुत्र हैं और एक साथ आपके अष्टम स्थान में आ रहे हैं। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है आपके लिए। अष्टम स्थान में आना ये कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान करने वाला है, लेकिन ये कब, ये सब 14 मार्च से पहले आपको नुकसान का कारक हो सकता है। तो ध्यान रखें, आप हेल्थ को नुकसान कर सकता है, ज्वाइंट पेन बढ़ा सकता है, आँख में, राइट आँख में आपकी परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ, एक रेमेडी। पहले आपको करना क्या है, आपको प्रयास करना है, जैसे मसूर, साबुत मसूर आपने सुना होगा, वो चाहिए आपके पास। कोई भी काला वस्तु, चाहे काला तिल ले लीजिए, काला उड़द ले लीजिए, काला कंबल ले लीजिए, सब इकट्ठा कर रहे हैं और आपको किसी भी संडे या शनिवार के दिन मंदिर में या गरीब को डोनेट करना। दूसरी बात, इस महीने में आपके लिए लक्की नंबर होगा 4 नंबर और 6 नंबर। इस महीने का लक्की नंबर आप होगा और सबसे लक्की डे होगा आपके लिए फ्राइडे और मंडे। दो दिन आपके लिए लक्की दिन होंगे, इन दिनों पर आप काम करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।